अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। नजरीने ग्रामी, पूरा अर्ज पे मौजूद दुबई एक ऐसे छोटा सा मुल्क है जहां हर साल हज़ारों लोग रोज़गार की गर्ज से आते हैं। आज भी हम एक ऐसे बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर की बात करेंगे जो कुछ साल पहले दुबई इसी नीयत से आया था। लेकिन अपने मुद्दा पर आने से पहले हसब रवायत नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली दिलफरेब वीडियो से बखूबी वाकफ रहें। मौजूद नाजरीन, दुबई के एक मशहूर बिजनेसमैन सेंग यलचन का शुमार वहां के बिलियनर्स में होता है, जबकि सेंग यलचन आज से कुछ साल पहले यानी 2009 में दुबई सिर्फ एक बैग के साथ आया था जिसमें फ्रेश ग्रेजुएशन की कुछ सीवीज और सिवाय कपड़े के कुछ खास ना था। नजरीने ग्रामी, सेंग यलचन ने एक मिडिल ईस्ट की न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो 25 अप्रैल 1985 को जर्मनी के शहर ब्रीमन में पैदा हुआ। उसके वालिदैन तुर्की से माइग्रेट होकर जर्मनी तालीम की नीयत से आए थे। सेंग यलचन अपने वालिदैन के कॉलेज टाइम ही पैदा हो गए थे और पैदाइश के बाद उसकी वालदा उसको अपने साथ कॉलेज लाया करती क्योंकि उसको घर में संभालने वाला कोई ना होता। सेंग यलचन अपने वालदेन के अमरा एक ही बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहा करता था। नाजरीन ग्रामी, सेंग यलचन ने अपना बचपना बहुत बेहतर गुजारा और अच्छी तालीम भी हासिल की। ग्रेजुएशन से पहले सेंग यलचन ने फुटबॉलर बनना चाहा क्योंकि इसमें शोहरत और दौलत दोनों है, लेकिन ना बन सका क्योंकि इसको कभी फुटबॉल का शौक था ही नहीं। फुटबॉलर की टीम से निकालने के बाद जर्मनी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन फिर वो भी अनकरीब छोड़ दिया। दोस्तों, सेंग यलचन को पैसे कमाने का बहुत शौक़ था और इसके जहन में काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ आया करते। इसी गर्ज से सेंग यलचन ने जर्मन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज में काम करना शुरू किया जिनमें बीएमडब्ल्यू और लोरियल सैर फहरस्त है। नाजरीन ग्रामी, दुबई आने से पहले सेंग यलचन अमेरिकी शहर मैक्सिको भी गया जहाँ दिन में बिजनेस की क्लास लेता और पार्ट टाइम जॉब करता। अमेरिका में रहने से उसकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो गई थी जो कि वो चाहता भी था, लेकिन वो हालात ज़िंदगी ना हासिल कर सका जिसका वो हमेशा एक ख्वाब रखता था। आखिरकार वक्त आ ही गया जब किस्मत के हज़ानों ने उसके दरवाज़े पर दस्तक दी। यानी 2009 में सेंग यलचन अपने एक रद्द बैग के साथ दुबई आया। सेंग यलचन के पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ और मार्केटिंग एक्सपीरियंस के सिवा और कुछ भी ना था, लेकिन अपनी दानिश्वरी और काबिलियत की वजह से जल्द ही किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। दोस्तों, थोड़े ही अरसे बाद सेंग यलचन ने एक प्राइवेट ऑनलाइन सर्विस बनाई जिसमें वो गाड़ियां खरीदता और आगे बेचता। सेंग यलचन के डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज और मेहनत की वजह से आज ये कंपनी सेल एनी कार के नाम से मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी लागत $1 बिलियन से भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सेंग यलचन ने Shukr.com के नाम से मिडिल ईस्ट में पहली दफ़ा प्राइवेट शॉपिंग क्लब की वेबसाइट भी बनाई। इसके साथ वो $650 मिलियन ई कॉमर्स कंपनी Shukr.com का पार्टनर भी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंडस्ट्री अमेजोन से मुंसलिक है। नजरीन ग्रामी, सेंग यलचन की मौजूदा हालात ज़िंदगी पर अगर रोशनी डाले जाए तो उसका कुल नेटवर्थ $1.6 बिलियन यानी पाकिस्तानी 260 अरब से भी ज़्यादा है। इसके अलावा सेंग यलचन की रहायशगाह बुर्ज खलीफा में है। अगर कार्स कलेक्शन की बात की जाए तो सेंग यलचन का शुमार उन लोगों में होता है जो मार्केट में नई कार की एडवांस बुकिंग करके बैठे होते हैं, लेकिन अगर इसके गराज की बात की जाए तो सेंग यलचन के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद है जिसमें एक अदद लेकन हाइपर पोस्ट जिसकी कीमत 12.65 करोड़ है, 380 किलोमीटर टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर पर हार 2.8 सेकंड में कवर करता है। एक अदद बुगाटी वायरोन जिसकी कीमत 12 करोड़ है, 100 लीटर का फुल टैंक 407 किलोमीटर पर हार की टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर 2.5 सेकंड में कवर करता है। एक अदद लाफरारी जिसकी कीमत 8 करोड़ है, 25 लीटर का फुल टैंक 350 किलोमीटर टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर 2.4 सेकंड में कवर करता है। नजरीन ग्रामी, सेंग यलचन ने अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए 2 रॉयल रोल्स रखी हैं। इसके अलावा 2 रॉयल रोल्स यानी एक ब्लैक कलर में और एक वाइट कलर में,
जिनमें से हर एक की कीमत 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। 83 लीटर का फुल टैंक 250 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर 4.6 सेकंड में कवर करता है। इसके अलावा एक अदद लैम्बोर्गिनी जिसकी कीमत 6 करोड़ से भी ज़्यादा है, 90 लीटर का फुल टैंक और 350 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड है, 0 to 100 किलोमीटर 2.8 सेकंड में कवर करता है। सेंगेचन के पास एक अदद मर्सिडीज AMG G63 है, 96 लीटर का फुल टैंक 210 किलोमीटर की टॉप स्पीड और 0 to 100 किलोमीटर 4.3 सेकंड में कवर करता है। दोस्तों, मर्सिडीज रखने का सिर्फ इसका एक मकसद है कि जब सेंग गेलचिन दुबई के रेगिस्तानों में टूर के लिए जाता है उस वक्त इस गाड़ी का सिर्फ इस्तेमाल किया करता है। इसके अलावा बिजनेस कार्ड बेंटली 2016 मॉडल जिसकी कीमत $1,44,000 यानी 2,24,00,000 है। नजरें निगरानी सेंग गेलचिन मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए अपना जाती प्राइवेट जेट पर सफ़र करता है। इसके अलावा आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सेंग गेलचिन को जानवर से बड़ा लगाव है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। कमेंट सेशन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।